देखिए लेबनीज रूल क्या बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन है वाई, ये हमारा क्या है वाई, तो इसका ये फंक्शन यहाँ पे देखिए एक फंक्शन है यहाँ पे स्मॉल हमने जी एक्स लिया, यहाँ पे हमने लोअर लिमिट जी एक्स और अपर लिमिट एच एक्स लिया, और यहाँ पे हमने कोई फंक्शन ले लिया हमने जैसे एफ एक्स फंक्शन ले लिया ठीक है, एफ एक्स हमने एक क्या ले लिया फंक्शन ले लिया, बात आ रही समझ में ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि हमें ये वाई फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डीएक्स, ये जो हमें पहले से पता है इसकी वैल्यू एफ एक्स प्लस सी है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये वैल्यू हमें पहले से पता है किसका इंटीग्रल ये है ठीक है, कोई दिक्कत जी, हेलो इसमें किसी को दिक्कत। अब हमें फंक्शन में बोल रहा है कि हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे वाई फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी एफ एक्स और इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स प्लस ई, रख लो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एफ एक्स ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे हमारी क्या होगा अपर लिमिट एच एक्स एंड लोअर लिमिट क्या हो जाएगी जी एक्स, कोई दिक्कत। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स के जगह पे एच एक्स आ जाएगा पदम, ये बात समझ में, और एफ इंटू यहाँ पे जी एक्स आ जाएगा, ऐसा हमारा फंक्शन बनेगा, यही इंटीग्रेशन की अपनी वैल्यू हुई ना, ये हमारी इंटीग्रेशन की वैल्यू हुई, इसमें किसी को दिक्कत है, हेलो हाँ जी इसमें किसी को दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए चाहिए ना, तो डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड हमने क्या कर दिया डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एच एक्स ठीक है एफ एच एक्स माइनस एफ जी एक्स एच ऐसा ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा ये देखिए एफ डैश एच एक्स आ जाएगा इनटू एच डैश एक्स आएगा, इसको एच एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर एच एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, कोई दिक्कत जी इसमें इसमें यहाँ पे किसी को दिक्कत, हेलो यहाँ पे कोई दिक्कत जी, नो सर यही हमारा फंक्शन है ठीक है, यही हमें यहाँ पे बोला जा रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है कि अगर हमारे पास इसका ये इंटीग्रल है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एज इट इज हमें यही फंक्शन मिल जाएगा ना एफ एक्स ही मिल जाएगा ना, बात समझो अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रल साइन हट जाएगा ना, ये देखो अगर यहाँ पे हमें ऐसा दिया लिमिट अगर नहीं दी रहती एफ एक्स डी एक्स रहता तो अगर इंटीग्रेशन करते तो हमें क्या मिल जाता डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स मिल जाता कि नहीं, हेलो ये मिलता ना yes, sir. ठीक है yes, तो यहाँ पे जो हम वैल्यू लिखेंगे तो वो डायरेक्ट हमारे एफ डैश एच एक्स, तो एफ में हम इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, बात आई समझ में, यहाँ पे हम क्या पुट कर दे रहे हैं लेबनीज में यहाँ पे एफ यही फंक्शन को हम एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, बात समझ में आई बात आई समझ में, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट यही फंक्शन को लेकर और ये कर दे रहे हैं, देखे लेबनीज में यही बताया जा रहा है, लेबनीज में हमारा जैसे बोला जा रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ये डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स डी एक्स ऐसा है, तो इसकी वैल्यू हमने क्या बोला यहाँ पे डी टी हम लिख देते हैं, थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं आएगी टी के फंक्शन में ठीक है, तो यहाँ पे हमने एच टी डी टी ले लिया, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लिखा कि एच इंटू जी एक्स एच इंटू जी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स डी एक्स माइनस एच एच इंटू एफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये हमने किया यहाँ पे, बात समझ में आई,
यहाँ पे हमने ऐसा किया, तो यहाँ पे जो हम एच डैश एक्स लिख रहे थे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम एफ डैश एच एक्स लिख रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने यही फंक्शन में ही एच एक्स पुट कर दिया, क्योंकि आपको एच डैश एक्स फिर उसकी वैल्यू हर बार, तो आप इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको तो पता नहीं रहेगी, पता रहेगी क्या एच टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो हमने उसको डिफ्रेंसिएशन को इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में ही लिख दिया। बात समझ में आई? हेलो, कोई दिक्कत जी यहाँ पे इसको समझने में कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एच टी ही मिलेगा ना, एच टी ही मिलेगा ना, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एच टी मिल जाएगा, और एच जी एक्स हमने पुट कर दिया, जी डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमने कर दिया, फिर माइनस एच एफ एक्स कर दिया लोअर लिमिट इनटू डी एफ एक्स। अभी भी किसी को इसमें दिक्कत है लेमनिस थ्योरम समझने में जी? हेलो, बेसिकली क्या हो रहा है ये समझ में आई बात? हेलो सर, ठीक है। तो ये करना है, तो हमें जहाँ पे अब इसकी वैल्यू, ये इंटीग्रल की वैल्यू हर बार तो हमें दी नहीं रहेगी ना, ये वाली वैल्यू हमेशा तो दिया नहीं रहेगा ये, तो इसलिए हमने डायरेक्ट जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इफेक्ट आ जाएगा, तो इफेक्ट में ही एच एक्स की वैल्यू और फिर एच डैश एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है, कल हमने क्वेश्चन भी दिए थे आप लोगों को, छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं कि फाइंड, ये देखिए फाइंड डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स d upon dx integration of x square x cube 1 by log t dt, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने है। ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, आप लोगों ने ट्राई किया है? हेलो हेलो, हाँ जी, ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, करते हैं सर, हाँ जी ट्राई करें। सर, हाँ जी सर, वन बाय लॉग एक्स, हाँ जी सर, वन बाय लॉग एक्स, हाँ जी, हाँ जी सही है सर, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, गुड, हाँ जी आप लोग बताएं। देखिए यहाँ पे ये हमारा फंक्शन है, तो इसी फंक्शन में हम अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर अपर लिमिट का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इंटीग्रल साइन हटेगा इस फंक्शन का, फिर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अप्लाई लेमनिच थ्योरम, अप्लाई लेमनिच रूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, वन बाई लॉग टी के जगह पे क्या हो जाएगा एक्स क्यू, और फिर क्या होगा डी एक्स क्यू अपॉन डी एक्स माइनस वन अपॉन लॉग लोअर लिमिट यानी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस 2x square का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x square, और यहाँ पे क्या होगा 2 log x, ये this और this cancel हो गया, this and this cancel हो जाएगा, तो 1 by log x हमारा कॉमन आ गया, और सर 2x नहीं आएगा, only 2x आएगा सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
ओनली 2x आएगा। ठीक है जी, तो ये अपना आंसर हो गया। इसमें किसी को दिक्कत जी? हेलो, ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? इसमें किसी को दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, इफ इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई थ्री टू एक्स रूट ओवर थ्री माइनस साइन स्क्वायर टी इंटू डी टी प्लस जीरो टू वाई कॉस टी डी टी इज इक्वल टू जीरो देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि y कहाँ है। यहाँ तो x है बट ये y कहाँ है? यहाँ पे। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी y लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट में है, तो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में आएगा। ये क्या करेंगे, पूरे फंक्शन को हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो लेमनिज अप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आएगी? डिफरेंशिएट करेंगे तो लेमनिज अप्लाई हो जाएगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहो या, ठीक है ठीक है, ऑन बोथ साइड्स या अप्लाई लेमनिज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो पहले इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, अपर लिमिट को पुट करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, थ्री माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स माइनस यहीं पे थ्री माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई थ्री लोअर लिमिट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई थ्री टू डी एक्स प्लस यहाँ पे कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस जीरो एंड टू इंटू जीरो अपॉन डी एक्स इजकल टू जी जीरो अपॉन डी एक्स। किसी को दिक्कत इसको, इसमें इस ऐसे लिखने में किसी को दिक्कत है? हेलो, हाँ जी, ये समझ में आया जी? हमने, ये हमारा फंक्शन है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे फिर अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस करते हैं फिर इसी फंक्शन में हम लोअर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट के डिफरेंशिएशन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अगेन प्लस। यहाँ पे हमारा फंक्शन कॉस्टी, कॉस्टी में हमने अपर लिमिट पुट किया फिर अपर लिमिट को हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे लोअर लिमिट हमने पुट किया इस फंक्शन में कॉस्टी में एंड लोअर लिमिट को हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइन इक्वल टू यहाँ पे जीरो है, जीरो को हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब देखिए हमें एक्स के रिस्पेक्ट में ही क्यों किया डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमें फंक्शन में बोल रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स हमें चाहिए। अगर डी टी बाई डी वाई अपॉन डी टी बोला रहता या डी एक्स अपॉन डी टी रहता तो हमें टी के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना रहता। कोई दिक्कत जी इसमें? तो यहाँ पे देखिए डी एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, वन। क्या हो जाएगा जी? वन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखे जी ध्यान से, ये वन हो जाएगा तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे जीरो, ये टोटल जीरो हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे कॉस वाई का डिफरेंशिएशन हम नहीं कर रहे हैं, वाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। कॉस वाई, कॉस टी तो हमारा बेसिक फंक्शन है, इसमें तो हम अपर लिमिट पुट करेंगे, डिफरेंशिएशन किससे करते हैं, अपर लिमिट का। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos y dy as it is रह जाएगा। देखें नेक्स्ट में जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो होता है और इधर भी जीरो का, तो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, dy by dx ये हो जाएगा 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos y विथ निगेटिव साइन, दैट्स योर आंसर। किसी को दिक्कत है जी इसमें, किसी को दिक्कत है, हेलो, इसको समझने में? हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एवेल्युएट डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स टू एक्स स्क्वायर डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इसको एवेल्युएट करना है, इसे हमें क्या करना है, एवेल्युएट करना। दिस इज माई फंक्शन, इसका हमें डीवाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना। ट्राई दिस क्वेश्चन जी, ट्राई दिस क्वेश्चन। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट है जी, इसके पहले अभी अभी भी किसी को लेमनिज थ्योरम में किसी को डाउट है? सर 1/x माइनस 1/x² प्लस एक्स, नहीं कुछ और आया है सर, 2/ हाँ जी एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 1/2x². अच्छा देख लेते हैं जी, पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट भी करना है और इंटीग्रेट भी करना है। तो हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स की बात करें तो 1/x² प्लस टी स्क्वायर है। कोई दिक्कत जी इसमें, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ठीक है पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1/ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे हमें एक्स स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x है, एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे और t के जगह पे तो एजिटी टी स्क्वायर ही रहेगा ना। देखिए ये x है, t पे नहीं पुट करेंगे, f t पे नहीं पुट करते होते? अच्छा सॉरी सॉरी, एक्स स्क्वायर तो यहाँ कांस्टेंट है, t ही वेरिएबल है। यस सर, 2x² बन जाएगा। राइट राइट, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना? ठीक है जी, ये देखिए एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा और टी को हम कहाँ से पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे टी के जगह एक्स के पावर 4 आएगा, वही एक्स की पावर 4 आ जाएगा क्योंकि दो बार ये मल्टीप्लाइड होगा, हमने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। कोई दिक्कत जी इसमें, किसी को दिक्कत? फिर माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे 1/x² टी के जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत जी? हेलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x², इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2x/x² कमन लेंगे तो 1+x² बन जाएगा, 1/2x², हम कमन यहाँ पे एक से एक्स कैंसिल हो सकता है। ठीक है,
तो आगे इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इन टू एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर। इसको चाहे तो और छोटा कर सकते हैं या एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है जिसमें, किसी को दिक्कत है? हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है? ठीक है सर, ठीक है, दैट्स योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लिमिट वाले। इवेल्युएट दी फ्लोइंग, क्वेश्चन नंबर फोर है। दी फ्लोइंग लिमिट्स, फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जीरो टू एक्स स्क्वायर कॉस टी स्क्वायर डी टी अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स। ट्राई दिस क्वेश्चन जी, ट्राई दिस क्वेश्चन जी। हाँ जी, क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, यहाँ पे अगर जीरो पुट करेंगे तो नीचे में हमें जीरो मिल रही है, ऊपर में भी हमें जीरो मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का हमें क्या मिल, कॉस होगा तो टू कॉस स्क्वायर फिर साइन में आ जाएगा तो उसकी वैल्यू हमें जीरो मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म है, तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। ये देखो तो, हेलो हेलो, हाँ जी, तो ऊपर वाले, ऊपर में एल हॉस्पिटल रूल यानी लेबनिज अप्लाई होगा, नीचे में भी वही हो जाएगा। तो ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कॉस टी के जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा ना यहाँ पे इंटू टू एक्स। कोई दिक्कत है जी यहाँ पे, यहाँ पे कोई दिक्कत है? टी के जगह पे हम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो फोर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर जीरो इंटू जीरो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। और नीचे में क्या हो जाएगा, एक बार एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन एक्स, और दूसरे में साइन एक्स का करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, ये ओवरऑल वैल्यू बन गई। अब यहाँ पे देखें हमारी लिमिट एज इट इज रहेगा, एक्स टेंस टू जीरो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू एक्स कॉस फोर हो जाएगा, और यहाँ पे साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स से ऊपर नीचे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और लिमिट लगाएंगे तो ये वैल्यू हमें वन दे देगी, ये भी वन देगी तो टू हो जाएगा, और ये ऑलरेडी ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो अपना क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, टू इंटू कॉस एक्स टू दी पावर फोर अपॉन लिमिट हमने लगा दिया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। कोई दिक्कत जी यहाँ पे, किसी को दिक्कत? हेलो, ठीक है, आप देख ये हमारी वैल्यू वन दे देगी, यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है ये हमें वन मिल जाएगा, ये वैल्यू वन, ये भी वन, तो ऊपर में क्या होगा टू इंटू वन, वन प्लस वन, टू अपॉन टू इक्वल टू वन। ठीक है, तो वन आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत जी, क्वेश्चन सॉल्व हुआ? हेलो, इसमें किसी को दिक्कत? नो सर,
हाँ जी आगे पढ़े, ठीक है। हाँ जी बोलिए सर। अगर इसमें स्टार्टिंग में x sin x से डिवाइड, वो sin x है जो स्टार्टिंग में, उसको x से डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो वो तो 1 नहीं हो जाएगा फिर आगे सिंपली सॉल्व? नहीं नहीं, आपने x से इसमें मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ हाँ पे फिर x स्क्वायर आएगा कि नहीं ये बताइए। हाँ जी सर आएगा ना। हाँ जी, तो फिर उस x का क्या करेंगे? आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या वहां से? नहीं ना सॉल्व हुआ। आप देखिए, आप यही बोल रहे ना कि यहाँ पे हम नीचे में एक से डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई करें, तो ये तो वैल्यू बन जाए, लेकिन एक से स्क्वायर बना रहेगा ना एज इट इज। यस सर। हाँ तो फिर जीरो अपॉन जीरो फॉर्म ही रहा ना, आप बताइए। हाँ जी सर। हाँ तो अपने को तो उसी से बाहर निकलना है ना, फाइनाइट वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई कि अभी भी दिक्कत है? देखिए हाँ, क्योंकि इसको हमने डिफरेंशिएट किया है, तो ये यहाँ पे क्या सिंबल है, यहाँ पे इंटीग्रल सिंबल है, तो एक बार हमने लेमनिज अप्लाई किया तो इंटीग्रल सिंबल हट गया, तो अपना क्वेश्चन फेमिलियर कंडीशन में आ गया ना। अब फेमिलियर कंडीशन में आ गया, तो जब यहाँ पे इसको एल हॉस्पिटल यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि सेम रूल अप्लाई करेंगे ना दोनों, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, यानी उसी को हमने एल हॉस्पिटल नाम दिया, यानी इसका भी डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट किया, लेकिन हम इसको लेमनिज के द्वारा किया, इसको भी डिफरेंशिएट किया साधारण की तरह, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल सिंबल नहीं रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रल सिंबल था इसलिए हमने लेमनिज अप्लाई किया, इसको जनरलाइज कर, कोई दिक्कत थी अभी? ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4B, लिमिट x टेंड्स टू 0 0 to x t dt upon x into tan x plus pi, ठीक है, इसे सॉल्व करें। हाँ जी हो गया सर, एक मिनट। ओके जी, इन्फिनिटी नहीं, नहीं यार इन्फिनिटी नहीं आएगा। एक मिनट सर बताते हैं, बस थोड़ा सा ही सॉल्व होने वाला रहेगा। सर जीरो नहीं, जीरो तो नहीं आ रहा यार, 1/2 ऑप्शन है।
देखें यहाँ पे अगर ये अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स सर 1/2 सर यस राइट ठीक है यहाँ पे देखिए हमारा टी है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स माइनस जीरो इंटू डी जीरो बाई जीरो ठीक नीचे में क्या हो जाएगा ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार x का किया तो ये क्या हो जाएगा tan x प्लस वाई आ गया प्लस क्या हो जाएगा x रह जाएगा tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है sec स्क्वायर x प्लस वाई ठीक है कोई दिक्कत जी यहाँ तक किसी को नो सर तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो अब देखें यहाँ पे वैल्यू हमारे ऊपर में x आ जाएगी नीचे में क्या हो जाएगा tan x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस फाइव ऐसा हो जाएगा जी ठीक है अब इस एक्स से हम डिवाइड कर दें इसमें ये देखो डिवाइड कर दें नीचे तो ये वैल्यू कैसी बन जाएगी वन यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन एक्स प्लस फाइव क्या हो जाएगा प्लस कॉट एक्स हो जाएगा प्लस टेन एक्स हो जाएगा प्लस टेन एक्स हो जाएगा देखो तो 10x yes, प्लस फाइव और इसको हमने डिवाइड कर दिया x से और यहाँ पे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस फाइव ये भी x कैंसिल हो गया अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू हमें क्या दे देगी वन और ये भी वैल्यू हमें दे देगी ना वन ये sec x प्लस फाइव एक स्टेप और कर लेते हैं वन इसको हम एज इट इज रखें यहाँ पे क्या हो जाएगा sec x ही हो जाएगा देखो माइनस आ जाएगा माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा कोई दिक्कत है sec x plus pi is equal to क्या हो जाएगा माइनस sec x होगा ना माइनस sec x होगा तो माइनस एक दो बार अब देखिए ये भी यहाँ पे लिमिट लगाए यहाँ पे लिमिट लगाए तो क्या हो जाएगा वन प्लस वन क्या हो जाएगा वन बाई टू बात समझ में आई कि नहीं बिकॉज लिमिट x tends to जीरो tan x upon x is equal to 1 and limit x tends to 0 sec x is equal to 1 कोई दिक्कत जी यहाँ पे किसी को दिक्कत हाँ जी यहाँ तक किसी को दिक्कत